नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसे हम वेरिकोज वेन्स के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर हमारी लेग्स में होती हैं और इसका मतलब है कि जो लेग्स की सुपरफिशियल वेन्स हैं, यानी कि जो ऊपरी वेन्स हैं, उनका साइज़ पहले से बढ़ जाता है, उनमें खून का प्रेशर बढ़ जाता है और इसकी वजह से धीरे धीरे हमें सिम्टम्स आने लगते हैं, हमारे स्किन में कॉम्प्लिकेशन होने लगती हैं और ये सब के बारे में ही हम इस वीडियो के बात करेंगे। सो, हमारी लेग्स में बहुत तरह की वेन्स हैं। कुछ वेन्स डीप वेन्स होती हैं जो मसल्स के अंदर हैं और कुछ वेन्स सुपरफिशियल वेन होती हैं जो स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती हैं। हमारी लेग्स में ब्लड जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट पुश करके हार्ट की तरफ जाता है और ग्रेविटी के कारण लेग्स में वेन्स को हार्ट की तरफ जाने में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि ग्रेविटी उसे बार बार नीचे की तरफ पुल कर रही है। तो ये जो वेन्स हैं, इनको ऊपर जाने के लिए कई सारे मैकेनिज़म्स हैं, जैसे कि लेग्स की वेन्स में वन वे वेल्व रहते हैं जो ब्लड को नीचे लेग्स की तरफ आने से रोकते हैं और ये सुपरफिशियल और डीप वेन्स के बीच में कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, यानी कि कुछ इनके आपसी अंदर की अंदर वेन्स इन्हें जोड़ती हैं जिन्हें हम परफोरेटर्स बोलते हैं। तो वेरिकोज वेन्स में या तो ये वेल्व्स जो ये ब्लड के फ्लो को वन वे रखते हैं वो कुछ वेल्व्स ख़राब हो जाते हैं जिनकी वजह से ब्लड हमारी वेन्स में इकट्ठा होने लगता है, उनका प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर ये परफोरेटर्स जो डीप और सुपरफिशियल वेन्स को जोड़ रहे हैं ये परफोरेटर्स कुछ हद तक ख़राब हो जाते हैं और उनकी वजह से इन वेन्स में प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता है ये वेन्स और अपने साइज़ में इंक्रीज़ होती जाती हैं, इनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से खून इसमें से कुछ हद तक बाहर की तरफ सीप करता है, खून के कुछ पदार्थ ब्लड वेसल में से निकलकर स्किन में आने लगते हैं जिससे हमें स्किन में कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। इनिशियली पेशेंट महसूस करते हैं कि उन्हें लेग्स में पहले से ज़्यादा पेन हो रहा है, मसल क्रैम्प्स फील हो रहे हैं और धीरे धीरे जैसे ये खून की नसें मोटी होती जाती हैं ये उन्हें दिखने लगती हैं। सो फेयर स्किन पेशेंट्स में, जिनके स्किन बहुत फेयर है, उनमें छोटी छोटी वेन्स भी जल्दी दिखने लगती हैं और इंडियंस की स्किन कुछ हद तक डार्क होने की वजह से जब इनका साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब हम बड़ी बड़ी वेन्स अपने लेग्स में देख सकते हैं। सिंपली इनके देखने के अलावा हमें इनमें होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि स्किन में इचिंग डर्मेटाइटिस, उससे हम इचिंग फील कर सकते हैं, या स्किन का कलर चेंज होना यानी उसका थोड़ा डार्क हो जाना वो हमें दिखाई दे सकता है। इसके बाद स्किन थिन और शाइनी हो जाती है और आगे जाने के बाद स्किन पर अल्सरेशन यानी कुछ जख्म हो सकते हैं। ये यूजुअली नीचे हमारे एंकल के पास मीडियल साइड पर होते हैं और इसके बाद अगर और डीप हो जाए ये अल्सर तो इसमें से वेन्स परफोरेट करके ब्लीड भी कर सकती हैं। तो ये सारी स्टेजेस हैं वेरिकोज वेन्स की, जैसे जैसे डिजीज़ सेवेरिटी बढ़ती जाती है। इसके अलावा पेशेंट अपनी लेग्स में सूजन देख सकता है जो कि ज़्यादा बैठने से या ज़्यादा खड़े रहने से और भी वर्सन हो जाती है और मे बी रात को जब वो लेटते हैं तो धीरे धीरे ये स्वेलिंग ठीक भी हो सकती है। इसके होने के क्या कारण हैं? वेल, एग्जैक्ट कारण हर एक पेशेंट में ढूंढना हर बार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो इसका रिस्क बढ़ा देती हैं, जैसे कि ज़्यादा खड़े रहना या ज़्यादा देर बैठे रहना। अगर आपकी जॉब में प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग या प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इन्वॉल्व है तो आपको वेरिकोज वेन होने का रिस्क कुछ ज़्यादा रहता है। फीमेल्स में ये रिस्क ज़्यादा है, प्रेगनेंसी में इसका रिस्क और बढ़ जाता है। एडवांस्ड एज होना या ओबेसिटी यानी मोटापा होना, ये भी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर हम जानें कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। वेल, कोई इसका ठोस तरीका तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें कर आप वेरिकोज वेन का रिस्क कम कर सकते हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग या प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग को अवॉइड करना, स्मोकिंग अवॉइड करना, एक अच्छी हेल्दी वेट लाइफस्टाइल मेंटेन करना और अपना वेट नॉर्मल रखना, अपने डाइट में फाइबर की क्वांटिटी अच्छी रखना। मे बी इन सब चीज़ों की मदद से आप वेरिकोज वेन्स का रिस्क कम कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में अगर बहुत इनिशियल स्टेज है, वेन्स बहुत बड़े नहीं हैं, तो हम सिंपल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनकर अपने सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं और हो सकता है कि स्टॉकिंग्स और अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये फर्दर प्रोग्रेस ना करें।
लेकिन अगर वेन्स बहुत बड़े हो गए हैं, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया है, तो फिर हमें सर्जरी की मदद लेनी ही पड़ती है। ट्रेडिशनली इसके लिए हम वेन्स स्ट्रिपिंग करते हैं, यानी कि वो वेन जिसमें वेल्स ख़राब हो गए हैं उस वेन को हम एक मेटल का स्ट्रिपर डालकर, यानी कि मेटल की एक तार डालकर अंदर ही अंदर से खींच कर उसे रिमूव कर देते हैं। वो वेन निकलने के बाद जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा मॉडर्न टेक्निक्स में हम इसे लेज़र की मदद से ठीक कर सकते हैं। लेज़र में वेन को निकाल कर रिमूव नहीं किया जाता, रादर एक लेज़र फाइबर हम लोकल एनेस्थीजिया के अंदर इसके अंदर इंसर्ट करके अंदर ही अंदर वेन को बर्न कर देते हैं, जिससे वेन आपस में जुड़ जाती है और ये कंडीशन ठीक हो जाती है। लेज़र का एडवांटेज ये है कि इसमें हमें पेशेंट को बेहोश नहीं करना पड़ता, उसको पीठ में इंजेक्शन लगाकर सुन नहीं करना पड़ता, और ये ओपीडी प्रोसीजर है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक इंजेक्शन से कुछ हिस्सा सुन करके ये टेक्निक कर सकते हैं और आप बहुत ही जल्दी वेरिकोस वेन से निजात पा सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको वेरिकोस वेन्स के बारे में एक ब्रॉड आइडिया मिला होगा। स्टिल अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स हों तो आप हमें कभी भी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे मैसेज कर सकते हैं, हमें यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एंड वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।